नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। हमारा मध्य प्रदेश ऐतिहासिक एवं प्राचीन इमारतों के लिए संपूर्ण देश में विख्यात है। प्रदेश के चप्पे चप्पे की प्राचीन एवं ऐतिहासिक इमारतों की कलाकृतियां प्रामाणिकता और खासियत के साथ अपना एक विशेष महत्व भी रखती है। धार जिले में भी कई प्राचीन एवं धार्मिक विरासत है। ऐसी ही एक प्राचीन एवं धार्मिक महत्व विरासत बदनावर तहसील मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर भगवान भोलेनाथ को समर्पित कोटेश्वर महादेव के नाम से विख्यात है। इस प्राचीन तीर्थ एवं पर्यटन नगरी में बारिश के बाद पहाड़ियों पर चारों ओर छाई हरियाली यहां आए पर्यटक का मन मोह लेती है। बारिश के दिनों में भी कलकल करते झरने भी अपनी ओर पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यहां आए पर्यटक भाव विभोर होकर आनंदित होते हैं। कोच से 2 किलोमीटर दूर स्थित कोटेश्वर महादेव मंदिर में वर्ष भर पर्यटक की आवाजाही बनी रहती है। प्रदेश में दूर दूर से पर्यटक भगवान महादेव के दर्शन करने आते रहते हैं। श्रवण माह में प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक यहां पर भगवान महाकाल का अभिषेक एवं दर्शन करने आते हैं। यहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक अवकाश के दिनों में पहुंचकर दर्शन लाभ लेते हैं। कोटेश्वर धाम महू नीवज मुख्य मार्ग पर कानवन से लगभग 10 किलोमीटर दूर अंदर स्थित है। यहां पर महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग स्नान कुंड बने हुए हैं। श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों के ठहरने के लिए धर्मशाला भी निर्मित है। क्षेत्र में किदवंती प्रचलित है कि मंदिर का निर्माण 14वीं शताब्दी के पूर्व का है। इससे संबंधित कथा प्रचलित है कि भगवान श्री कृष्ण जब अमझेरा के अमका झमका मंदिर से रुक्मणि जी का हरण कर प्रस्थान कर रहे थे, तब श्री कृष्ण यहाँ विश्राम के लिए ठहरे थे और भगवान श्री कृष्ण ने शिवलिंग की स्थापना कर भोलेनाथ की पूजा अर्चना की थी, जिसे लोग अब कोटेश्वर महादेव के नाम से जानते हैं। जानकारों की माने तो मंदिर परिसर में वर्ष भर अखंड रामधुन चलती रहती है। इसके लिए प्रबंधन समिति ने आसपास के ग्रामीण श्रद्धालुओं को माह की प्रत्येक तारीख को एक दिन बांट रखा है। इसमें लगभग 31वां गांव सम्मिलित है, जिसमें माह की प्रत्येक तारीख को हर एक गांव के श्रद्धालु का एक पांडल मंदिर परिसर में पहुंचकर अपनी बारी आने पर 24 घंटे निरंतर रामधुन का कीर्तन करते हैं। अगले दिन अगले गांव से मंडली आने पर वो अगली मंडली रामधुन में सम्मिलित हो जाती है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। यहाँ की बहुत सारी विशेषता है। यहाँ अधिकतर श्रद्धालु जो है मनोरंजन के लिए आते हैं, घूमने के बहाने भी आते हैं। अधिकतर श्रावण का जो हमारा महीना रहता है उसमें श्रद्धालु बहुत ज्यादा मात्रा में आते हैं। और सुना है कि यहाँ जो हमारे जो पाप रहते हैं वो पुण्य में बदल जाते हैं। और यहाँ पर ज़्यादा कृपा है। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे गंगा जी का एक मंदिर है, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पुण्य प्रताप जो है बहुत ज़्यादा ही है। और मैं अपने जो फैमिली के जो रिलेटिव है उनको यहाँ लेकर आई हूँ, मतलब मंदिर में इनको घुमाने के लिए लेके आई हूँ। और इन लोगों का भी मानना है कि यहाँ पर आने से जो मनोकामना है वो हमारी है वो पूर्ण हो जाती है। कैसा लगा यहाँ आपको आने के बाद? जी, हमें यहाँ बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही विचित्र जगह है। यहाँ पे कई मनोहारी स्थान है जो कि देखने लायक है। यहाँ पे भगवान महादेव का मंदिर है जो कि कोटेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ पे महाभर कोटेश्वर महादेव में जो है अखंड रामधूम चलती रहती है, जहाँ पे 30 गांव के लोग सम्मिलित होते हैं। साथ ही यहाँ पे प्राकृतिक झरने हैं जहाँ पे लोग और माताएं बहनें श्रद्धालु है स्नान करके अपनी मनवांछित मनोकामनाएँ मांगते हैं, जिसे भगवान महादेव एक निश्चित समय अवधि में पूर्ण करते हैं। क्षेत्र भर में यह कोटेश्वर धाम जो है प्रसिद्ध स्थल है और यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रावण मास में पर्यटक आते हैं एवं दर्शन करते हैं भगवान महादेव के और मनवांछित इच्छाएं जो होती है वो पूरी करवाते हैं। कड़क कला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।